एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक कृषि कानून को किसानों के हित में बताने के लिए लगातार जनता के बीच में हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नए कृषि कानून की खामियां गिनाने की मुहिम में जुट गए। इटावा में एक दिन पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया द्वारा कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच जागरूकता कैंपेन चलाए जाने के बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने कृषि कानून की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसान बधुआ मजदूर हो जाएंगे। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, हम लोगों को आपत्ति है, जिस प्रकार से सरकार ने आलू, तेल, दाल, मसाले और प्याज जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं से बाहर किया, उससे इन वस्तुओं की अब जमकर कालाबाजारी हो रही है। इससे किसान सहित देश के हर नागरिक पर बुरा असर होगा। कल आए थे इस जनपद के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, और आज से दो दिन पहले इटावा के सांसद श्री रामशंकर कठेरिया भी आए। दोनों ही लोगों ने ये कहा कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, और उन्होंने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया कि अब किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट होगी, वो अपनी फसल कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता गणों से, कि आज से पहले कौन से कानून में ये रोक थी कि किसान अपनी फसल केवल मंडी में बेचेगा और मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। इससे पहले भी कभी कहीं कोई रोक नहीं थी, ये वही कानून है। उन्होंने दूसरा ये कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सांसद जी ने ये कहा कि जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और जो किसान जब फसल पैदा करने का समय होता है उनका खाद और बीज के लिए पैसे नहीं होते, व्यवस्था नहीं होती, तो वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं आपको बता दूँ। जिस समय फसल बोने की बात आएगी तब ये कंपनियाँ दूसरी बात करेंगी और रेट फिक्स करेंगी कि हम आपकी फसल इतने पैसे में लेंगे, लेकिन जब वो फसल पककर तैयार हो जाएगी तब वो उस पर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उस फसल को औने पौने दामों में खरीदेंगे, और किसान की मजबूरी होगी उन्हीं कंपनियों को फसल बेचना और उन्हीं की मर्जी की कीमतों पर बेचना, क्योंकि वो बॉन्ड से बंधा हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ होगा, इसलिए वो कहीं बाहर भी नहीं बेच पाएगा। और चूँक इस बिल में ये भी है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्ष न्यायालय नहीं जाएगा, एसडीएम या एसडीएम से संतुष्ट न होने की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय, डीएम के यहाँ ही सारे वादों का निपटारा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।